नमस्कार दोस्तों, वीके स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? महत्तम समापवर्तक HCF। कल के क्लास में हम लोग ने LCM का पूरा इंड कर दिया था, पोस्टमार्टम करके उसको इंड कर दिया था। LCM की एकदम बेसिक से बेसिक बारे में समझ लिया था, निकालने की विधि क्या होता है, LCM किसे कहते हैं, कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोगों ने LCM को पढ़ लिया था, उसका पोस्टमार्टम कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF। तो दोस्तों HCF हम आज हम HCF पढ़ेंगे और देखेंगे कि HCF जो है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने की विधि क्या है, उसको ज्ञात जब किया जाता है तो HCF होता क्या है। HCF से दिख रहा है दोस्तों आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM से आपको क्या दिखता था? LCM से दिखता था लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF से आपका दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके मतलब HCF का मतलब हो गया कि हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या होगी, कॉमन होगी, और LCM का मतलब सबसे छोटी कॉमन संख्या थी। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। आप चलते हैं जो महत्तम समापवर्तक है जिसको हम मसा बोलते हैं, लसा और मसा बोलते हैं, जिसको हम मसा बोलते हैं उसमें हम देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन कह रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा क्या करे, विभाजित कर दे। कहने का सेंस समझ में आ रहा है? कहने का सेंस ये समझ में आया कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक संख्या क्या करे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका 24 है और 16 है, 24 16 है, इसका अगर मसा ज्ञात करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? पहले इसका गुणनखंड विधि हम देख लेते हैं। मान लीजिए 16 का आप गुणनखंड करेंगे तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 4 2 8 2 16, ये उसका गुणनखंड हो गया। 24 का जब करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 24 का गुणनखंड का सबसे ईजी तरीका, 3 8 24 कर दीजिए और 3 8 का 2 2 2 2 कर दीजिए। समझ आ गया? आप देखिए इसमें क्या करते हैं, HCF जो है इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें करते हैं क्या है HCF में, HCF में एक करते हैं दोस्तों जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें 1 2 और 3, 2 की संख्या कितनी है, 3 है। ऊपर वाले भी हम देखेंगे तो 1 2 और 3, मतलब ऊपर वाले में 4 2 है लेकिन 3 लेंगे क्योंकि नीचे वाले में 3 है, मतलब इसमें जो संख्या का मान सबसे कम रहता है उसको लेते हैं। तो इसमें देखिए संख्या का मान 1 2 3 है और यहाँ पे 4 है तो 2 को 3 बार ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देखेंगे दोस्तों कॉमन दिख रहा है कुछ, इसमें जो 16 में हम जाएंगे तो ऊपर 2 बचा है नीचे 3, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो इनको आप छोड़ दीजिए, इनको नहीं लीजिए, यही आपका आ गया 8 आ गया दोस्तों। तो देखिए जो 8 आपका LCM आया है, ये आपका आ गया है HCF जो आया है 8, यहाँ पे 8 जो HCF आया है, 8 से अगर 16 में आप डिवाइड करते हैं तो 8 2 16 कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 8 से अगर 24 में डिवाइड करते हैं तो 8 3 24, देख लीजिए दोस्तों 8 से 16 और 24 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 24 को पूरा से पूरा विभाजित कर सकती है। इससे बड़ी संख्या आपको क्या मिलेगी, इससे बड़ी संख्या अगर 16 और 24 को क्या विभाजित करेगा, देख लीजिएगा, इससे बड़ी संख्या 9 10 11 12 लेके देख लीजिएगा, कोई इससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो 16 और 24 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो 16 और 24 को पूरा पूरा विभाजित कर दिए। तो इसका परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, इससे क्लियर हो गया होगा इसका परिभाषा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को उनमें से प्रत्येक को क्या पूरा पूरा विभाजित कर, देखिए 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 24 को पूरा से पूरा विभाजित कर दे रहा है। 8 के बाद अगर कोई संख्या लेंगे 9 10 11 12 30 40 कोई लेंगे तो या तो 24 को बस डिवाइड करेगा, 16 को नहीं करेगा, अगर 16 को विभाजित करेगा 24 को नहीं करेगा, तो हमको दोनों को विभाजित करना है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता चल गई दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी निकालने की विधि पे, महत्तम समापवर्तक तो आपको क्लियर हो गया क्या होता है, आइए अब इस पे हम चलते हैं इसकी निकालने की विधि। तो इसकी निकालने की विधि होती है दोस्तों, एक होता है गुणनखंड विधि, एक क्या होता है, एक होता है दोस्तों आपकी गुणनखंड विधि, और इसमें सेकेंड नंबर का होता है विभाजक विधि। विभाजक विधि या लगातार भागफल विधि, लगातार लगातार विभाजक विधि।
गुणनखंड विधि हो गया, दूसरा विभाजक विधि या लगातार विभाजक विधि। गुणनखंड विधि से क्या होता है, जिसमें फर्स्ट ले लीजिए आप, अगर गुणनखंड विधि फर्स्ट को लेते हैं तो गुणनखंड विधि से आपको पता चल रहा है कि जो संख्या देता दिया रहता है उसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड फैक्टर से आपको पता चल रहा है कि फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन उसका हम कर देंगे। मान लीजिए अगर दे दें यहाँ पे 12, 20 और यहाँ पे 14 दे दे और कहे इसका मासा आप ज्ञात कीजिए। 12, 20 और 14 का क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। एच सी एफ ज्ञात करना है, इसको क्या करेंगे, पहले गुणनखंड विधि हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। 12 का पहले गुणनखंड कीजिए, 12 का गुणनखंड करेंगे तो किससे जाएगा, 2 6 12 होता है, नहीं आपको करने आ रहा है डायरेक्ट कीजिए, 2 6 12 2 हो गया, अब 6 को डिवाइड कर दिए, 2 3 6 तो 2 2 4 3 12 गुणनखंड हम कर दिए डायरेक्ट। 20 का देखिए क्या करेंगे, 20 को आप जब गुणनखंड करेंगे आपको नहीं आ रहा, देखिए कैसे करेंगे, 2 10 जा कर दीजिए, अब 10 को क्या कर देंगे, 2 × 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये गुणनखंड आ गया, 2 × 2 × 5 कर दीजिए। 14 को ऐसे ही देखिए क्या करते हैं, 14 को आप क्या पता है, आपको पता है 2 × 7 = 14 होता है, 2 × 7 = 14 कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों इसमें कि 12 में 20 में और 14 जो है इसमें देखेंगे कि जो इनका गुणनखंड है उसमें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, जो गुणनखंड इनका आया है, गुणनखंड आया है पहले इसमें देखेंगे जो डिजिट है वो तीनों में कौन से डिजिट है जो तीनों में आए। आप देखेंगे कि 12 में भी 1 2 है, 20 में भी 2 है और यहाँ पे 14 में 1 2 है, तो जो 1 2 है दोस्तों यहाँ पे जो 1 2 है वही कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो यहाँ पे 1 2 लिख दीजिएगा, 1 2 लिख दिए। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 12 में तो 2 है, 20 में 2 है बट 14 में 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं दिख रहा है तीनों में, तो नहीं होगा। 3 है 12 में तो 20 में नहीं है, 14 में नहीं है। 5 है 20 में तो 14 में नहीं है, 12 में नहीं है। 7 है 14 में तो है कॉमन, कुछ तीनों में दिख नहीं रहा, तीनों में कॉमन होना चाहिए तो बस 2 है। तो यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको 12 को 20 को और 14 को क्या करेगी, पूरा से पूरा विभाजित कर देगी। और इसके बाद अगर दोस्तों ले लेंगे कोई संख्या तो 12, 20 और 14 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगी, या तो 12 को करेगी, 20 को करेगी, 40 को नहीं करेगी, या 14 को करेगी तो 20 को नहीं करेगी, 12 को करेगी, तो पूरा से पूरा विभाजित नहीं करेगी। ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, आपका HCF आ गया 2। ये क्लियर हो गया, चलिए एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए 12 लेते, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 26 और 24 लेते हैं, तो 26 का आप गुणनखंड कर दीजिए, फास्ट कीजिए, कैसे करेंगे, 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 × 13 13 × 26 होता है, 24 का जब करेंगे तो जब 12 × 24 हो जाएगा, तो 2 × 4 8 × 24 होता है, देख लीजिए आ गया। अब इसमें देखें कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको दो ही जो है संख्या, एक संख्या 2 वही कॉमन दिख रहा है, 2 जो कॉमन दिख रहा है दोनों में वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो कॉमन नहीं रहता है उसको आप क्या कर दिए, क्रॉस कर दीजिए, वो उससे कोई मतलब हमको नहीं है, बस मतलब है जो कॉमन दिख रहा है HCF में वही है। तो HCF आपको गुणनखंड विधि पता चल गया। अब आते हैं इसका विभाजक विधि और लगातार विभाजक विधि में, देखते हैं इसको क्या करते हैं। मान लीजिए अगर दो संख्या दे दे 12 और 26 दे दे और पूछ दे इसका आप HCF ज्ञात कीजिए, विभाजक विधि से देखिए क्या करते हैं दोस्तों। विभाजक विधि में सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देना शुरू कर देते हैं। 12 × 2 = 24 शेष क्या बचा दोस्तों, शेष है यहाँ पे 2 बचा। अब जो 2 शेष बचा, जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 2 शेष बचा उसी से हम डिवाइड किस में करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे, मतलब जिससे जो यहाँ पे जो 12 से जब हम 26 में डिवाइड किए थे तो यहाँ पे जो शेष 2 बचता है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ पे फिर लिख दीजिए, 12 के यहाँ पे लिख दीजिए, इसी 12 को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, 2 × 6 = 12 कट गया। जिस अंक में, जिस संख्या से लास्ट वाला अंक शून्य आ जाएगा, मतलब डिवाइड करने से, जिस संख्या डिवाइड करने पे सब अंक पूरे संख्या से अगर विभाजित हो जाता है वो कट के शून्य आ जाता है, तो वही संख्या यहाँ पे 2 से हम डिवाइड किए हैं तो इस पूरे का मान शून्य आ गया, तो 2 ही क्या हो जाएगा, 2 आपका HCF हो जाएगा। यहाँ पे जो डिवाइडर है 2, यही आपकी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेके देखते हैं। मान लीजिए अगर आप ले लेते हैं 25 और यहाँ पे ले ले रहे हैं 1 3 2, तो 25 से डिवाइड कीजिए फास्ट,
25 या 75, 2500 को 100, 25 पच्चीस 125, 25 पच्चीस यहाँ पे 125 हो जाएगा, 25 पच्चीस 125, 12 में से 5 जा, 7 5 12 होता है, 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 शून्य, 2 में 2 जा 0, 0 हो जाएगा। अब 7 से फिर किस में डिवाइड करेंगे, आप सीएसपल जो बचा 7 बचा, 7 से 25 में फिर डिवाइड कर दीजिए, 25 में डिवाइड कीजिए, 7 3 21 हुआ। अब यहाँ पे आएंगे दोस्तों 4 बचा, अब 4 से फिर किस में डिवाइड करेंगे, 7 में डिवाइड करेंगे, 4 से 7 में डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 बचा, अब 3 से किस में डिवाइड करेंगे, 3 से आप 4 में डिवाइड कर दीजिए, 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1 बचा, 1 से आप 3 में डिवाइड कीजिए तो 1 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे जो एच सी एफ आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, एच सी एफ जो आएगा वो आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जब 1 से हम डिवाइड किए थे इसका मान 0 आ गया है, और जो जिससे डिवाइड लास्ट में करते हैं जब मान 0 आता है वही आपका एच सी एफ हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, तो देखते हैं इसमें मान लीजिएगा 2 3 4 4 0 और यहाँ पे 2 5 दे देते, क्या करेंगे, सबसे छोटा वाले से सबसे छोटे वाले से उसके पास वाले से पहले डिवाइड कीजिए, 23 कर दीजिए और 25 कर दीजिए, 1 23 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 सिक्स में डिवाइड कर दीजिए 23, यहाँ पे 2 1 जा 2 कैंसिल, यहाँ पे जब 3 उतारेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ये 0 आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एच सी एफ क्या आ गया, एच सी एफ जो आ गया वो 1 आ गया, लेकिन ये एच सी एफ नहीं है, जो 1 बचा इसमें जो बचा उसमें डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे आपका आ गया। अब 1 से फिर 14 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 14 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 14 14 होता है तो ये 0 आ गया, मतलब एच सी एफ आपका यहाँ पे भी लास्ट में एच सी एफ क्या आ गया, एच सी एफ आपका 1 आ गया। तो 3 डिजिट वाला आपको पता चल गया कि पहले 2 डिजिट को लेकर सॉल्व करते हैं, लास्ट में जहाँ 0 आ जाता है वह एच सी एफ हमको जो ज्ञात हो जाता है उससे फिर थर्ड वाले में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड वैसे ही प्रोसेस लेकर चले जाते हैं जैसे फर्स्ट वाले करते जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, एच सी एफ का भी हम पोस्टमार्टम कर दिए, ये आपको समझ में आ गया, मैं पूरा कोशिश कर समझा रही, नहीं समझ आया तो वीडियो के बाद देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आसान ट्रिक और ऐसे ही बेसिक मैथ आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर प्रतिदिन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए भिकी स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ।